सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अयोध्या की तकदीर ही नहीं बल्कि तस्वीर भी बदल डाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सैकड़ों वर्षों का सपना जो राम भक्तों का था वह अब साकार हो रहा है। भगवान राम की नगरी में रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। लाखों राम भक्तों के लिए अब सुखद घड़ी आने वाली है जब रामलला उनके भव्य महल में राम भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। भगवान राम के मंदिर निर्माण के निमित्त भूतल समेत गर्भगृह की छत पड़कर तैयार हो गई है। अब मंदिर में फिनिशिंग और दरवाजे खिड़की का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मंदिर के प्रथम चरण का कार्य अक्टूबर माह में पूरा हो जाएगा, जिसमें भगवान रामलला के गर्भगृह समेत संपूर्ण भूतल में 40 दरवाजे और खिड़की लगाए जाएंगे जो महाराष्ट्र के सागवन के होंगे। इसके साथ ही मंदिर के 167 स्तंभों में भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित दृश्य को भी तराशने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भव्य मंदिर अपनी दिव्यता के साथ बन रहा है और जनवरी 2024 में भगवान राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके महल में विराजमान भी कराएंगे। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सूत्रों की माने तो 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बार अपने तय समय सीमा में तैयार होगा। अभी छत पड़ने का काम लगभग पूर्ण होने की तरफ है। हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह के आसपास का समय लग सकता है कंप्लीट होने में। ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है, आगे मंदिर के परिसर के जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी अपनी गति से चल रहे हैं, समय सीमा में वो भी पूरे हो जाएंगे। परकोटे का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है, केवल न्यू बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है परकोटे में, उसकी रिटेनिंग वाल का एक लेयर पूरा पूर्ण हुआ है। परकोटे का काम अभी प्रक्रिया में है। भगवान रामलला के मंदिर की चौखट वाले अभी तक जो चीकुट महाराष्ट्र से आई है कुल जितना लकड़ी आनी थी उसमें 70% लकड़ी के आसपास आ चुकी है। अब उसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अनुराधा टिम्बर्स हैदराबाद, उनके कारीगर अब प्राथमिक कार्य में लगे हुए हैं और परसों से उसका काम प्रारंभ हुआ है। ये भी धीरे धीरे गति पकड़ेगा और समय सीमा में तय पूरा होगा। गर्भगृह का निर्माण जो बेसिक है वो काम पूरा हो चुका है, उसकी छत लग चुकी है, उसमें फर्श का निर्माण अभी शुरू होने वाला है। अभी शुरू नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं फर्श के निर्माण के अतिरिक्त गर्भगृह का सब काम पूरा हो गया है। दरवाज़ा लगना है, फर्श बननी है,